हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ल्यूकोरिया, जो कि महिलाओं की बहुत ही आम समस्या है। इसे हम श्वेत प्रदर और सफ़ेद पानी के नाम से भी जानते हैं। यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल के बारे में। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया में ये नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, जो कि मेनार्की के दौरान या ओव्यूलेशन के दौरान देखा गया है। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान भी हो जाता है। इसको पहचानेंगे कैसे? इसका डिस्चार्ज बहुत ही कम होगा और ये ओडरलेस यानी कि स्मेल रहित होगा। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया जो है इन्फेक्शंस की वजह से, वेदर इट इज़ बैक्टीरियल और फंगल, STDs या अनीमिया और इनडाइजेशन के कारण से हो सकता है। यह डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा होगा, ऑफेंसिव होगा और इसमें खुजली और जलन जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। जो महिलाएं ल्यूकोरिया से सफ़र करती हैं दोस्तों, उनमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, लथार्जी, पेन इन द काफ मसल्स यानी कि टांगों में दर्द रहेगी, सिर में दर्द होगा, बैक एक रहेगा और बहुत ही कभी कभी चिड़चिड़ापन भी देखा जाता है और चक्कर जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो ल्यूकोरिया के लिए होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन हैं, लेकिन आज हम केवल टॉप 5 बेस्ट जो मेडिसिंस हैं उनके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। और जो सबसे पहले हम दवाई जिसके बारे में बात करेंगे वो है क्रियोजोट 30। इसका डिस्चार्ज बहुत ही ऑफेंसिव रहता है, एक्रिड रहता है और डार्क ग्रीन कलर का होगा फ्रेंड्स, और जो लाइनन क्लॉथ है उसके ऊपर ये येलो कलर का स्टेन छोड़ेगा। इसमें आराम जो है पेशेंट को लेटने से आता है और चलने या दौड़ने से एग्रावेशन यानी कि बीमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कल्केरिया काब 30। इसका डिस्चार्ज जो होगा वो मिल्की वाइट डिस्चार्ज होगा और ये मोस्टली यंग गर्ल्स जो थोड़ी फैटी और फ्लैबी होती हैं उसकी मेन मेडिसिन है। इसमें बॉडी में पूरा पसीना आता है और ठंडी रहती है बॉडी। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स लीलियम टिक 30। इसका डिस्चार्ज ब्राइट येलो कलर का होगा और जो कि लाइनन पे ब्राउन कलर का डिस्चार्ज छोड़ेगा। इसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन उसकी बॉडी अगर टच करें तो वो ठंडी रहेगी। बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी और सेक्सुअल डिज़ायर भी इसमें इंक्रीज्ड होती है। फ्रेंड्स, इन तीनों दवाइयों का यूज़ करने से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है कल्केरिया ओवा टेस्टा। इसको हम 3x पोटेंसी में यूज़ करते हैं और एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम में ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है बायो कॉम्बिनेशन 13। इसकी 4-4 गोली आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम लेनी है। ये दोनों दवाइयाँ ही बहुत ही सेफ हैं फ्रेंड्स। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें आप इंटीमेट एरियाज़ को सोप या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से कभी ना धोएं, क्योंकि उससे पीएच बैलेंस जो रहता है वो बिगड़ जाता है। उसको क्लीन करने के लिए आप एलम यानी कि फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, एक मग पानी लेना है, उसमें आपको फिटकरी को कुछ टाइम के लिए 3-4 मिनट के लिए रख देना है और उसके बाद आप फिटकरी को निकाल के रखेंगे और वो जो पानी होगा, फिटकरी घुला हुआ पानी, उससे आप अपने इंटीमेट एरियाज़ को क्लीन कर सकते हैं। ऐसा आप हफ्ते में 2 या 3 तक कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है और इससे अगर आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करें इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और जो बेल आइकन रहता है उसे भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। बाय बाय।